प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी का संकट मोचक कहा जाता है। हर मुश्किल घड़ी से वह पार्टी को निकाल कर बाहर ले आते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों चर्चा ये है कि बीजेपी के यह संकट मोचक ग्वालियर चंबल से अचानक दूर क्यों हो गए हैं। वो भी तब जब नाराज लोगों को मनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही मोर्चा संभाला था, लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा दूर है और बीजेपी के दूसरे दिग्गजों ने उपचुनाव के लिए वहां मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में सवाल भी लोगों के मन में है कि क्या नरोत्तम मिश्रा उस इलाके को खुद दूर हो गए हैं या जानबूझकर उन्हें वहां दूर कर दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल के स्थापित नेताओं में से एक हैं। ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में उनका दूर होना यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि पार्टी में सब ठीक है ना। हालांकि पार्टी के दिग्गज नेता इन चीजों को खारिज करते रहे हैं। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के दौरान दिल्ली से लेकर भोपाल तक शिवराज सिंह चौहान के साथ सबसे ज्यादा एक्टिव नरोत्तम मिश्रा ही थे। सरकार बनने के बाद ग्वालियर चंबल के कुछ दिग्गज नेता नाराज चल रहे थे। नरोत्तम मिश्रा लगातार उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। गृह मंत्री बनने के बाद वह हर सप्ताह ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर जाते थे। ग्वालियर में जयभान सिंह पवैयर, अनूप मिश्रा, लाल सिंह आर्य, माया सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की थी। ये सारी कवायदें उपचुनाव के लिए ही थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार ग्वालियर पहुंचे थे। बीजेपी ने वहां मेगा शो का आयोजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता सिंधिया की बीजेपी नेता के रूप में लॉन्चिंग के लिए ग्वालियर पहुंचे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कहीं नहीं दिखे, वो भी तब जब वह इसी क्षेत्र से आते हैं। इसी के बाद से सवाल खड़े होने लगे हैं। इसके बाद से नरोत्तम मिश्रा सीन से गायब हो गए हैं। ग्वालियर चंबल से जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से नरोत्तम मिश्रा का दूर रहना किसी को पच नहीं रहा है। अब इस इलाके में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक्टिव हुए हैं। दोनों नेता लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर नेताओं से मिल रहे हैं, साथ ही रूठे लोगों को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ बीजेपी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। दूसरी चर्चा ये है कि उस क्षेत्र में पावर बैलेंस की कवायद की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभुत्व ग्वालियर चंबल में ही है, वहीं नरोत्तम मिश्रा का भी दबदबा इसी इलाके में है। कांग्रेस के एक नेता ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी वहां नरोत्तम मिश्रा को दूर कर पावर बैलेंस कर रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी जिसे जो काम सौंपती है वह काम वो करता है। नरोत्तम मिश्रा की दूरी की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। गृह मंत्री रविवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दतिया गए थे। उन्होंने दूरी के सवाल पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। नरोत्तम मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तभी सक्रिय था और आज भी सक्रिय हूं। उन्होंने कहा कि मैं उस कार्यक्रम में भी हजारों हजार कार्यकर्ताओं के बीच में था। पार्टी जहां भेजती है वहां मैं जाता हूं। दतिया भी मैं पार्टी से पूछ कर गया हूं और पार्टी को बता कर गया। कार्यकर्ताओं के बीच में ही दिन भर रहा हूं, इसे किसी और चीज से नहीं जोड़े। पार्टी को अनुशासित सिपाही पैच, पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।